हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डिजीजेस। तो हम डिजीजेस से रिलेटेड इनके पैथोजेन, सिम्टम्स, कैरियर्स, ये सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोर ओवर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिजीज रिलेटेड आते हैं। तो हम सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो है डिजीज़ एंड देयर पैथोजेंस। तो बेसिकली अगर हम बात करें पैथोजेंस क्या होते हैं, तो पैथोजेंस आर बेसिकली द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो डिजीज़ कॉज जो करते हैं दे आर कॉल्ड एज पैथोजन। तो देखते हैं डिजीज़ एंड देयर पैथोजेंस। तो फर्स्ट जो डिजीज़ है वो है टिटनेस। तो देखिए जो फर्स्ट डिजीज़ है वो है टिटनस, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें टिटनस में बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है ये अफेक्टेड होता है इन द टिटनस डिजीज़। ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पर द डिजीज़ कॉजेज मसल कॉन्ट्रैक्शंस पर्टिकुलरली ऑफ योर लोअर जॉ एंड नेक मसल्स में भी। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और टिटनेस को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, लॉक जॉ। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें और कौन से पार्ट्स अफेक्ट होते हैं टिटनेस में, तो बेसिकली चेस्ट, नेक, बैक और एब्डोमिनल मसल्स अफेक्ट होती हैं टिटनेस में। और बेसिकली बात करें जो नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। जो नेक्स्ट डिजीज़ हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ कॉलेरा। तो कॉलेरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो नेक्स्ट है कॉलेरा, एंड कॉलेरा इट इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरे। तो विब्रियो कॉलेरे नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कॉलेरा डिजीज़ को कॉज करता है। और बेसिकली इसका जो अफेक्टेड पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन को ये बेसिकली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइफॉइड, एंड टाइफॉइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार टाइफॉइड एंड कॉलेरा दीज आर वेरी मच कॉमन। तो टाइफॉइड इट इज़ कॉज्ड बाय सेल्मोनेला टाइफिया, और ये अफेक्ट करता है बेसिकली, ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है और ये ब्लड स्ट्रीम और इंटेस्टाइनल ट्रैक को अफेक्ट करता है। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके जो सिम्टम्स है वो है हाई फीवर, फटीग और हेडेक, नॉजिया वगैरह होता है ड्यूरिंग दिस टाइफॉइड। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम शॉर्ट में टीबी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो बैक्टीरिया है इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो टीबी यूजुअली अफेक्ट्स लंग, और यूजुअली ये लंग्स को अफेक्ट करता है, ये लंग्स। और इसके अलावा बात करें तो बॉडी के कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जैसे ब्रेन, किडनीज और स्पाइन, इनको भी ये अफेक्ट करता है, बट मेजर अफेक्टेड पार्ट आर लंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेप्रेसी, एंड लेप्रेसी इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेपरे। तो माइकोबैक्टीरियम लेपरे है पैथोजन ऑफ लेप्रेसी, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें जो लेप्रेसी है वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, सो इट इज़ वेरी मच कॉमन, स्किन पार्ट को ये अफेक्ट करता है और पेरिफेरल नर्व्स को भी ये अफेक्ट करता है। बेसिकली स्किन पार्ट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर हम ऑर्गन की बात करें तो स्किन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया, एंड निमोनिया इट इज़ कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस निमोनिए। तो डिप्लोकोकस निमोनिए ये एक पैथोजन है ऑफ निमोनिया, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया में बेसिकली जो पार्ट हमारा अफेक्ट होता है वो होते हैं लंग्स, और इसके अलावा जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, वो जो जिनमें बेसिकली एयर फिल होती है उसमें म्यूकस फिल हो जाता है ड्यूरिंग दिस निमोनिया। इसलिए रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग निमोनिया। नेक्स्ट देख लेते हैं डिप्टेरिया। तो डिप्टेरिया की बात करें तो इट इज़ कॉज्ड बाय कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्टेरिए। तो ये पैथोजन का नाम है ऑफ डिप्टेरिया, और तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें जो डिप्टेरिया डिजीज़ है ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, तो अगर हम बात करें डिप्टेरिया की तो ये भी हमारे नोज, थ्रोट और विंड पाइप ट्रैकिया को ही अफेक्ट करता है। ये भी एक टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ प्लेग। तो प्लेग इट इज़ कॉज्ड बाय पेस्टुरेला पेस्टीज, और जो प्लेग है ये काफ़ी टाइप्स की होती हैं, लाइक लिम्फेटिक प्लेग, लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। कुछ ऐसी प्लेग होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। बेसिकली आपको इसके पैथोजन का ध्यान रखना है, पेस्टुरेला पेस्टीज। नेक्स्ट है वूपिंग कफ, एंड वूपिंग कफ इट इज़ कॉज्ड बाय हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और वूपिंग कफ की बात करें तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के. तो विटामिन के की डेफिशिएंसी के वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इन अ ह्यूमन बॉडी. ये आपने ध्यान में रखना है, यानी चोट के दौरान जो अत्यधिक रक्त स्राव होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के. क्योंकि जब इंसान को चोट लगती है तो वहाँ कुछ लोगों के अंदर क्लॉटिंग बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ के अंदर नहीं होती है. तो ब्लड जो रुकता नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के. तो एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के. विटामिन के की बात करें तो एक इसके फूड सोर्सेस क्या क्या हैं, तो सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, स्पिनच, टर्निप ग्रीन्स, ये सब इसके सोर्सेज है विटामिन के. अगर हम बात करें विटामिन के का साइंटिफिक नेम, या फिर हम इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, सो बेसिकली फाइलोक्विनोन, इट इज द साइंटिफिक नेम, और हम कह सकते हैं केमिकल नेम ऑफ विटामिन के, फाइलोक्विनोन. राइट, सो इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेज. तो इन्फेक्शियस डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होती हैं जो विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट्स. मैनी ऑर्गेनिजम्स लिव इन एंड ऑन आर बॉडीज, दे आर नॉर्मली हार्मलेस और इवन हेल्पफुल. तो देखिए, कुछ ऐसे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के लिए हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ हार्मलेस भी होते हैं. बट कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, जिनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस. और इन्फेक्शियस डिजीजेस ये वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट्स के कारण होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following bacteria is found in the lower part of the stomach of patients with peptic ulcers? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एक बैक्टीरिया है जो कॉज करता है पेप्टिक अल्सर्स को, ये आपने ध्यान में रखना है. सो पेप्टिक अल्सर इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड व्हेन द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक डैमेज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है उसको जो डैमेज करता है वो होता है पेप्टिक अल्सर, ये आपने ध्यान में रखना है. पेप्टिक अल्सर ये डिजीज होती है जब कॉज होती है जो एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, दैट इज HCl जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है वो डैमेज करने लगता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइन को. तो हमारे स्टमक में HCl और म्यूकस दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है. जो HCl होता है ये बेसिकली जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने का भी वर्क करता है, और जो म्यूकस होता है वो इस HCl से हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है. So this causes acidity related pain and bleeding in the stomach. तो इसकी वजह से acidity related problems होती हैं और bleeding stomach में होने लगती है. It is caused by a bacteria called as Helicobacter pylori. Next question, which pathogen causes pneumonia disease? Right answer हो जाएगा इसके लिए option number A, यानी कि Haemophilus influenzae. तो Haemophilus influenzae ये cause करता है pneumonia disease को. तो Haemophilus influenzae causes pneumonia. अगर हम बात करें Salmonella typhi की, तो ये typhoid को cause करता है. Influenza, it is caused by Myxovirus influenzae. And whooping cough, it is caused by Haemophilus pertussis. ये आपने ध्यान में रखना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. गॉइटर एंड द एनलार्ज्ड थायरॉइड ग्लैंड आर मेनली डायग्नोस्ड इन द पेशेंट्स विथ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयोडीन. तो आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर या फिर एनलार्ज्ड थायरॉइड ग्लैंड जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है. ये डिजीज कहाँ पाई जाती है? इट इज मेनली डायग्नोस्ड इन द पेशेंट्स जिनके अंदर आयोडीन की कमी होती है. सो आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गॉइटर. तो गॉइटर का जो मेन कॉज है वो है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. द बॉडी नीड्स आयोडीन टू प्रोड्यूस थायरॉइड हार्मोन. इफ यू डू नॉट हैव enough iodine in your diet, the thyroid gets larger to try and capture all the iodine it can, and it can make the right amount of thyroid hormone. जो thyroid hormone होता है, thyroid gland होता है, वो thyroid hormone को create करने के लिए अपनी size को enlarge कर देता है, ताकि body में जितना भी iodine है वो उसको extract कर सके. तो इसलिए जो ऐसे patients होते हैं goiter के, उनका जो thyroid जो gland होता है वो basically enlarged होता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन डिजीजेज एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इनकरेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथलीट्स फूट। तो देखिए जो एथलीट्स फूट है बेसिकली ये एक फंगस कॉजिंग डिजीज है। जो एड्स है ये वायरस से ही होता है। जो एंथ्रेक्स है इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, और इबोला इट इज अ काइंड ऑफ वायरस। और जो एथलीट्स फूट है इट इज कॉज्ड बाय अ फंजाई। तो अ फंगल डिजीज इलनेस कॉल्ड एज एथलीट्स फूट और टीनिया पेडिस टिपिकली स्टार्ट्स बिटवीन द टोज। People who wear tight-fitting shoes and have extremely sweaty feet frequently get athlete's foot. A scaly rash that typically itches, stings, and burns in is one of the symptoms of this disease called as athlete's foot. तो basically जो हमारे toes होते हैं उनके बीच में scaly rashes type के बन जाते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा itching होती है और stingy type का होता है, और ऐसा लगता है कि हमेशा burn करें, यानी जलन type की होती है। So these are the symptoms of the fungal disease called as athlete's foot. और basically ये bacteria causing disease होती है, इतना ही आपको ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नाइट ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। इन इट्स मोर सिवियर फॉर्म्स विटामिन ए डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट्स टू ब्लाइंडनेस बाय मेकिंग द कॉर्निया वेरी ड्राई, थस डैमेजिंग द रेटिना एंड कॉर्निया। तो रेटिना और कॉर्निया को डैमेज जो रेटिना और कॉर्निया होता है वो डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर हम बात करें विटामिन ए के जो फूड सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सो विटामिन ए के जो फूड सोर्सेज होते हैं वो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हम कह सकते हैं। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, लाइक स्पिनच, ब्रोकली, और येलो वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड पोटैटोज, पम्पकिंस, दीज आर द सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्पल्स की, तो एप्पल्स में जो बेसिकली जो मैक्सिमम अमाउंट में जो विटामिन प्रेजेंट होता है दैट इज विटामिन सी, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू कंफर्म द टाइफाइड फीवर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइडल टेस्ट। तो वाइडल टेस्ट ये किया जाता है टू कंफर्म द टाइफाइड फीवर। वाइडल टेस्ट इज यूज टू कंफर्म द टाइफाइड फीवर। अगर हम बात करें शिक टेस्ट की, तो इट इज यूज टू कंफर्म द डिप्थीरिया। एंड पैप स्मियर टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर। एंड टॉर्निक्वेट टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज द डेंगी फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैडमियम। तो कैडमियम एक ऐसा सब्सटेंस है, या फिर हम कह सकते हैं कैडमियम एक ऐसा मेटल है जो डिजीज जो कॉज करता है इटाई इटाई डिजीज को। सो कैडमियम कॉजेज इटाई इटाई डिजीज। इट वॉज फर्स्ट रिकोगनाइज इन जापान इन 1960s। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एसोशिएटेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम बात करें ऑस्टियोमेलेसिया विद सिवियर बोन पेन इज अ सिम्टम ऑफ इटाई इटाई इलनेस। It is also a cause of renal tubular failure. तो renal tubular failure का भी एक cause है इटाई इटाई disease, ये आपने ध्यान में रखना है। इटाई इटाई disease it is caused by cadmium. Next question, which of the following person was nicknamed as typhoid Mary? Right answer हो जाएगा इसके लिए option number ए, यानी कि मैरी मेलन। तो मैरी मेलन वॉज निकनेम्ड एज टाइफॉइड मैरी। इट वॉज अ क्लासिक केस इन मेडिसिन। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफॉइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। तो इनको कहा जाता है टाइफॉइड मैरी बिकॉज ये टाइफॉइड की एक पेशेंट थी, और इन्होंने काफ़ी साल तक, एक कुक थी, तो काफ़ी साल तक इन्होंने थ्रू हर फूड शी स्प्रेडेड दिस टाइफॉइड डिजीज। तो इसलिए इन्हें टाइफॉइड मैरी कहा जाता है मैरी मेलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगी इज कॉज्ड बाय। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायरस। तो जो डेंगी फीवर होता है ये वायरस के कारण कॉज होता है हमारी बॉडी में। सो डेंगी इज कॉज्ड बाय द डेंगी वायरस एंड मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। द डेंगी वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल मॉस्किटोज कॉल्ड एज एडिस एजिप्टाई। तो एडिस एजिप्टाई ये फीमेल मॉस्किटोज ये ट्रांसमिट करती हैं इस डेंगी डिजीज को, ये आपने ध्यान में रखना है। तो दीज डेंगी मॉस्किटोज आर फाउंड एवरीवेयर both inside and outside the house and generally bite during the daytime।
These mosquitoes are found to be at the peak of their activeness at the dawn and dusk. Next question hai, Minamata disease is caused by eating fish which have high levels of. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मरकरी. तो ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ मरकरी प्रेजेंट होता है, क्योंकि मरकरी बेसिकली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रिवर्स में या फिर जो बड़े बड़े सीज और ओशंस होते हैं वहाँ पर डिस्चार्ज कर देती हैं इंडस्ट्रियल, एज अ इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है मरकरी, उसको रिलीज कर देती हैं, डिस्चार्ज कर देती हैं, जिसके कारण फिशेज की बॉडी के अंदर मरकरी का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से मिनमाटा डिजीज़ होती है. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच डिजीज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइफॉइड. तो टाइफॉइड को कॉज करता है, टाइफॉइड के कारण होता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन. परफोरेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ टाइफॉइड. द पर्सन कैन ऑल्सो ब्लीड टू डेथ. देयरफॉर टाइफॉइड इज अ फेटल डिजीज. इसलिए टाइफॉइड एक फेटल डिजीज होता है, क्योंकि ये इंसान की डेथ भी कॉज कर सकता है. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट निमोनिया. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निमोनोकोकल वैक्सीन. तो निमोनोकोकल वैक्सीन इट इज़ यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया. ये आपने ध्यान में रखना है. सो निमोनोकोकल वैक्सीन इज़ अ कॉन्जुगेटेड वैक्सीन यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया. अगर हम बात करें साल्क वैक्सीन, BCG वैक्सीन एंड टैब वैक्सीन आर यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफॉइड रिस्पेक्टिवली. साल्क वैक्सीन किसके लिए यूज होती है? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोलियो. BCG वैक्सीन, BCG स्टैंड्स फॉर बेसिलस केलेमेटोगुरिन, और BCG की जो वैक्सीन होती है इट इज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. और जो टैब वैक्सीन होती है, टैब वैक्सीन मतलब इसका फुल फॉर्म होता है टाइफॉइड, टाइफॉइड पैराटाइफॉइड A&P, टाइफॉइड पैराटाइफॉइड A&P. राइट, तो इसका जो ये वैक्सीन लगाई जाती है फॉर टाइफॉइड, ये आपने ध्यान में रखना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग निमोनिया. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्लड इन फीकस. तो ब्लड इन फीकस इट इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ निमोनिया हम कह सकते हैं, क्योंकि निमोनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एल्वियोलाई. तो जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है. लिप्स और जो नेल्स होते हैं वो ब्लूइश टर्न होने लगते हैं, और फीवर एंड चिल्स, दीज आर ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया. Pneumonia occurs due to accumulation of fluid in the alveoli. Its symptoms include fever, chills, headache, cough, and lips and nails turn bluish. Very important point, जो lips और nails होते हैं वो blue होने लगते हैं. However, blood and fecus does not occur in pneumonia. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द फंगजाई. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डर्मेटिस. तो डर्मेटिटिस इट इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाय अ फंगजाई. फंगल डिजीजेस आर ऑफन कॉज्ड बाय फंगजाई दैट आर कॉमन इन द एनवायरमेंट. फंगल डिजीजेस इन द लंग्स आर ऑफन सिमिलर टू अदर इलनेस सच एज द फ्लू और ट्यूबरकुलोसिस. कॉमन फंगल डिजीजेस की बात करें तो दिस इंक्लूड्स एस्परजिलोसिस. Aspergillosis, blastomycosis, candidiasis and candida auris dermatitis. So these are some of the fungal diseases examples. I am not a bio student, therefore I am feeling some kind of problem in reading these names. So sorry for that. सो नेक्स्ट जो हमें डिजीज डिस्कस करनी है, इट इज कॉल्ड एज डिप्टेरिया. डिप्टेरिया कॉमनली अफेक्ट्स विच एज ग्रुप. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिलो 5 ईयर्स. तो 5 ईयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं बेसिकली उनको अफेक्ट करती है ये डिप्टेरिया डिजीज. तो डिप्टेरिया कॉमनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स. इट्स सिम्टम्स इंक्लूड सोर थ्रोट, चिल्स विथ माइल्ड फीवर, वॉमिटिंग एंड हेडेक. सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्टेरिया. इसमें क्या होता है, सोर थ्रोट होता है एंड चिल्स एंड माइल्ड फीवर, हल्का बहुत फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है और हेडेक होता है. और बेसिकली जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट करती है ये डिजीज़. थ्रोट और टॉन्सिल्स शो अ ग्रे मेम्ब्रेन विच में स्प्रेड डाउन एंड कॉज हॉर्सनेस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डिप्टेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी इज कॉमन नेम ऑफ विच डिजीज.
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि वूपिंग कफ। तो वूपिंग कफ का ही दूसरा नाम है काली खांसी, ये आपने ध्यान में रखना है। वूपिंग कफ इज कॉमनली नोन एज काली खांसी, टेटनस, लेशमेनिया एंड टाइफॉइड आर कॉमनली नोन एज लॉकजॉ डिजीज, काला जर एंड एंटेरिक फीवर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए टिटनस का दूसरा नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी लॉकजॉ, दूसरा है हमारा लेशमेनिया, लेशमेनिया जो है इट इज ऑल्सो नोन एज कालाजार, और बिकॉज कालाजार जो डिजीज होती है वो लेशमेनिया से ही होती है। टाइफॉइड का दूसरा नाम है एंटेरिक फीवर, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायरस। तो एक एक टाइप का वायरस होता है जो इन्फ्लुएंजा डिजीज को कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। बात करें ट्यूबरकुलोसिस की तो एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है ये आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। इन्फ्लुएंजा इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस और फंगल इन्फेक्शन फंगी के कारण होता है, इसका एक एग्जाम्पल एथलीट्स फूट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड मलेरिया इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंबाइंड वैक्सीन गिवन टू चिल्ड्रन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेटनस, वूपिंग कफ एंड डिप्टेरिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि DPT वैक्सीन। तो DPT वैक्सीन जो होती है ये दी जाती है बेसिकली छोटे बच्चों को ताकि उनको टेटनस, वूपिंग कफ और डिप्टेरिया जैसे डिजीजेस से बचाया जा सके। तो DPT वैक्सीन इज द कंबाइंड वैक्सीन गिवन टू चिल्ड्रन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेटनस, वूपिंग कफ एंड डिप्टेरिया। डी स्टैंड फॉर डिप्टेरिया, पी स्टैंड फॉर पर्ट्यूसिस जिसको वूपिंग कफ कहा जाता है, वूपिंग कफ का हमने जो वो डिस्कस किया था व्हाट पैथोजन, एंड टी स्टैंड फॉर टेटनस। तो ये हो गया DPT का फुल फॉर्म। DPT वैक्सीन शुड बी गिवन विद इन 6 वीक्स ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी। तो फर्स्ट के जो 6 हफ्ते होते हैं उसके अंदर ही DPT वैक्सीन को बच्चे को दे दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉजल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायरस। तो वायरस एक कॉजिंग एजेंट है फॉर चिकनगुनिया विच इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो चिकनगुनिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, वायरस कॉजिंग डिजीज है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द स्किन, हेयर्स और नेल्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि एथलीट्स फूट। तो एथलीट्स फूट एक डिजीज़ है जो फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है, स्किन, हेयर और नेल्स को अफेक्ट करता है। एथलीट्स फूट इज अ फंगल इन्फेक्शन, डेंगू फीवर इज अ वायरल इन्फेक्शन एंड शिगेलोसिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। शिगेलोसिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लुएंजा इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंटीबायोटिक दैट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन इट इज़ अ एंटीबायोटिक जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड, ये आपने ध्यान में रखना है। सो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन अ फ्लोरोक्विनोलोन इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज सेफ एंड इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। तो फर्स्ट ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको माना जाता है इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज BCG वैक्सीन इज गिवन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि TB। सो BCG स्टैंड फॉर बैसिले कैलामेट्रिगोरिन। इट इज़ अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। TB और ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्यूबरकुलोसिस यूजुअली अटैक्स द लंग्स, तो अफेक्ट करता है ये लंग्स को बेसिकली। एंड BCG वैक्सीन वॉज फर्स्ट कंसिडर्ड बाय हु, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपर्ट कमिटी थी ऑन बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन इन इट्स 13th रिपोर्ट। तो अपनी बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन की जो 13th रिपोर्ट थी उसमें हु ने BCG वैक्सीन को कंसिडर किया है एज एन इफेक्टिव वैक्सीन फॉर TB। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैक्टीरिया दैट कॉजेस डिसेंट्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिगेला। तो शिगेला इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया जो डिसेंट्री को कॉज करता है। तो डिसेंट्री इज द कॉज ऑफ शिगेला बैक्टीरिया। इट इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से ये स्प्रेड होता है। डिसेंट्री कॉज्ड बाय शिगेला इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिलरी डिसेंट्री और शिगेलोसिस। शिगेला इज अ रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है यानी इस टाइप का बैक्टीरिया होता है अंडर द एंट्रियोबैक्टीरियसीज फैमिली। तो ये इसकी फैमिली का नाम है, इस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया शिगेला का की फैमिली का नाम है उसका, इसकी फैमिली है एंट्रियो
एंट्रियोबैक्टीरियसीज फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन विथ H5N1 लीड्स टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्ड फ्लू. तो बर्ड फ्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है H5N1 वायरस, ये आपने ध्यान में रखना है. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. द वायरस ऑफ बर्ड फ्लू इज नोन एज H5N1. इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू दैट कॉजेज हाईली इन्फेक्शियस सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज इन बर्ड्स. तो बर्ड्स में जो रेस्पिरेटरी डिजीज है इट इज़ कॉल्ड एज बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण ये होता है. इन ह्यूमन्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन कॉल्ड एज ओसेल्टामिविर. तो जो ह्यूमन्स में जो फ्लू की जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ है, इसको हम क्योर कर सकते हैं बाय टेकिंग द एंटीवायरल मेडिसिन जिसका नाम है ओसेल्टामिविर. स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो H1N1 है और HIV का जो वायरस है वो एड्स वायरस है. यहाँ पे अगर हम बात करें फाउल फ्लोरेरा, तो फाउल कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज ऑफ बर्ड्स कॉज्ड बाय पेस्ट्यूरेला मल्टीलोकोलरिस. तो पेस्टोरेला मल्टीकोलरिस इसके कारण होता है फाउल कोलेरा, जो एक बैक्टीरियल डिजीज है बर्ड्स की, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस.